तो गाइस सडनली बस में चेक इन हो गया तो सभी यात्रीगण को उतार दिया, क्योंकि वो लोग फ्री में जाने के लिए बिना टिकट में बैठा था ये लोग, तो सबको उतार दिया। लेकिन मेरा पास तो मंथली पास है, तो मैं तो पास दिखा दिया तो मेरे को बैठने दिया, बाकी सबको उतार दिया। गाइस देखना वीडियो। फाइनली गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गया, अभी मैं जाऊँगा पूजा करूँगा, अभी पूजा करके उसके बाद जाऊँगा ड्यूटी, क्योंकि मेरा मेड शिफ्ट है। तो अभी मैं जाऊँगा ड्यूटी, सो अभी मैं पूजा करके मिलता हूँ आपसे भाई। जैसे कि अभी मैं ड्यूटी के लिए निकल चुका हूँ, तो यहाँ से रोड क्रॉस करना है, तो यहाँ पर बहुत जो तेज से गाड़ी आता है, तो अभी मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। ये नेशनल हाईवे है, तो आप लोग ने पहले भी पहला वीडियो में देखा होगा, ये रोड क्रॉस करता हूँ यहाँ से। इतना तेज आता है ना गाड़ी, तो थोड़ा संभाल के पार करना है, क्योंकि ये पूरा है ना नेशनल हाईवे। तो यहाँ पर ये चेन्नई रोड है, यहाँ से तमिलनाडु चेन्नई जा सकते हैं। अभी मैं दौड़ के पार हो रहा हूँ, तो यहाँ पे बस के लिए वेट करना पड़ेगा मेरे को। अभी ये जो रोड जा रहा है ना, ये चेन्नई का रोड है, तमिलनाडु चेन्नई और आंध्रा भी जा सकता है, तेलंगाना ये रोड जाएगा। मेरे को इसी रोड की तरफ जाना है मेरे को। तो गाइस अभी मेरे को बस मिला है, 2-3 मिनट वेट किया तो उसके बाद बस आया। तो बस में उठ के अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तो ड्यूटी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो देखना वीडियो लास्ट तक क्या हुआ मेरे साथ। तो अभी बस में मैं अकेला हूँ, बाकी लोग थे लेकिन वो लोग को बस से उतार दिया गया, वो फाइन भी लगा दिया वो लोग को। क्यों बोले तो वो लोग बिना टिकट का बस में उतर चढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे चेक इन होता है ना, तो चेक इन के टाइम में वो लोग को फाइन लगा दिया और बस से उतार दिया। अभी तो मैं अकेला हूँ, तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास तो पास है, मंथली पास है, तो टेंशन नहीं, इधर भी घूमो, बेंगलोर में फ्री है मंथली पास में, तो इधर भी घूम जाओ फ्री है। तो अभी एक ही फ़ायदा है कि मंथली पास था मेरे पास, तो मेरे को कुछ भी नहीं बोला वो लोग, तो सभी को उतार दिया। अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी अकेला, बहुत मस्त लग रहा है, अपना ही गाड़ी जैसा लग रहा है मेरे को, मैं खुद खरीदा जैसा लग रहा है। तो देखना वीडियो लास्ट तक गाइस। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ ड्यूटी करने के जगह में, अभी यहाँ से एंट्री भी मिल गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो बहुत धूप है गाइस, बहुत तेज़ धूप है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी यहाँ से एंट्री भी मिल गया, अभी ड्यूटी की तरफ जा रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहना गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग गाइस। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बोल देना गाइस। अभी मैं ड्यूटी आ रहा था, तो यहाँ पे मेरा हमारा सामान आया, कुछ अंडा आया है, मिल्क देख सकते हैं गाइस, मिल्क तोड़ दिया यहाँ पे, मिल्क आया था लेकिन यहाँ पे तोड़ गया, पूरा मिल्क मिल्क हो गया, सुबह सुबह मिल्क देखने गया, इधर भी तोड़ा है किसी ने, तो बहुत टाइम हो गया बोल रहा है, तो इसलिए मैं अभी इधर रिसीव करने आया था सामान, तो ड्यूटी आया था लेकिन सीधा इधर मेरे को सिक्योरिटी बोला कि तुम्हारा सामान आया है रिसीव कर लो, तो इधर रिसीव करने के लिए आया हूँ, रिसीव हो गया है, एक बंदे को कॉल किया है, वो आ रहा है तो टोली लेकर, तो उसके साथ में जाऊँगा, पूरा नुकसान कर दिया देखे देखे यहाँ पर पूरा। जोमेटो हाइपर से आया था ऑर्डर, तो रिसीव हो गया, यहाँ पर नुकसान हो गया 2 पैकेट का। हो गया भैया, जोमेटो हाइपर से आया ऑर्डर, कितना को आएगा? 31 को। अच्छा ना, सैटरडे का दिन में आएगा, मस्त रखेगा, सैटरडे का दिन आएगा 31 को। तो संडे का किस किस का छुट्टी है? आपका भी है ना? संडे संडे का छुट्टी है आपका? नहीं है ना? नहीं, मेरा
संडे जिसका छुट्टी हो तो मूछ करेगा, वो तो पूरा मूछ करेगा, बोतल मारेगा, मूछ करेगा। संडे एक आध दिन उसका फिर आमदनी उसका किसमें, बाकी दिन खत्म उसके। संडे के दिन में आमदनी उसका जेब में। तो गाइस अभी मैं काउंटर में आ चुका हूँ, तो सब कुछ रेडी है कस्टमर को देने के लिए। तो गाइस अभी मैं और एक बंदा को लेकर मैं जा रहा हूँ, किधर बोले तो सामान रिसीव करने। और डेली का काम है हम लोग का ये, क्योंकि मॉर्निंग में इतना लड़का नहीं होता है काम करने का, हम तीन चार लड़के होते हैं, तो उसी में से किसी एक दो को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि सामान बहुत आता है ना गाइस। तो दो टोली लेके जा रहा है हम लोग, और दो टोली में भर के लेके आएंगे सामान। तो देखना गाइस किधर जा रहा है। जी कुछ सामान आया क्या? हाँ। कहाँ से हो तुम भाई? हम केंदुझा से डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? केंदुझा डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा से है ना? हाँ। ये भाई उड़ीसा से आया है। तो कितना दिन हुआ है आपका? चार दिन हुआ। चार दिन हुआ है काम कर रहा हुआ, तो कैसा लग रहा है आपका काम? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, टाइम पे खाना पीना मिल रहा है? हाँ। ड्यूटी वगैरह कैसा है? हार्ड है ना? सॉफ्ट है? किसी किसी जगह में अच्छा होता है, तो जहाँ पे मैनेजर अच्छा है वहाँ पे काम करने के लिए अच्छा लगता है। अभी हम दोनों जा रहे हैं नीचे, सामान आया है रिसीव करने के लिए, तो ये भाई को लेके गए अभी। फिर न्यू आया है, ज्वाइनिंग किया है, चार दिन हुआ है, हमारा साथ ही करता है। अभी इसको काम सिखाना है, किचन में करता है बंदा, अच्छा है, लेकिन जो बंदा भी करता है गुस्सा नहीं होता है, थोड़ा हंस रहा है। देखो अभी उड़ीसा से आया है। हाँ नहीं, गुस्सा नहीं करता है भाई, जो बोलना चाहिए भाई ये कर तो कर देता है, ये करो मैं रिसीव कर देता है। यही हम लोग का जिंदगी। आप लोग सोच रहे हैं कि रोज ये सामान रिसीव करने जाता है, वो भी सोच रहा होगा दूसरा काम नहीं है क्या, वो सोच रहा है, लेकिन हम लोग का काम ही यही है सर। क्योंकि सामान आता है हम लोग का 7 डेज में, 5 डेज सामान आता है, ठीक है, 5 डेज में सामान आता है। तो अभी हम लोग का स्टाफ कम है, मोनिची वाला स्टाफ कम है, तो हम लोग को जाना पड़ता है सामान लेके रिसीव भी करके अरेंज भी करना पड़ता है। तो यही है पकड़ो भाई। आगे ले, आगे आगे आगे। तो गाइस अभी सामान भी पूरा रिसीव हो गया, तो रिसीव होने के बाद अभी हम लोग इसको टोली में डालेंगे। दो टोली लेके आए हम लोग, तो दो टोली में डाल के इसको नीचे स्टोर में लेके जाके पूरा अरेंज करना है। तो गाइस अभी फाइनली मेरा छुट्टी हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ रूम, यहाँ से बस पकड़ के जाना है फिर मेरे को। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोल देना, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना प्लीज़ गाइस। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।